जो एम कैट का टेस्ट होता है उसके अंदर कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, सारे नहीं, लाइक कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफ़िकल्टी लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए थोड़े ट्रिकी किस्म के होते हैं जैसे, और उसके उस वक्त स्टूडेंट्स टेंशन में भी होते हैं तो गलती करने का चांस भी ज़्यादा होता है। जैसे आपको मतलब कि बायोलॉजी में पूछ लें कि पेयर ऑफ रिब्स कितने हैं, तो आप जल्दी में 12 की बजाय वो 24 टिक कर सकते हैं। ऐसे ही आपको मतलब कि जैसे फिजिक्स में अगर किसी ने पूछ लिया सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में अगर क्वेश्चन है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बजाय सिग्निफिकेंट जीरोस किसी वैल्यू में पूछ सकते हैं, ऐसा करके कुछ थोड़े। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अहसान अकरम और आप देख रहे हैं अहसान चौधरी का यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी NMD कैट के बारे में, तो बहुत से लोगों का कमेंट आया कि आप एक और वीडियो बनाएं जिसमें BDS के स्टूडेंट से आप इंटरव्यू करें। तो मेरे कज़न है अब्दुल्ला शफीक, जो कि BDS के स्टूडेंट है, इस्लामाबाद स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री में फर्स्ट ईयर के तालबे इल्म है। तो मैंने उसे टाइम लिया कि अपने कीमती वक्त में से हमें कुछ टाइम दे, हम जो है वो स्टूडेंट्स की रहनुमाई कर सकें कि उन्होंने MD कैट का जो आगे सफ़र है वो उसको किस तरह जो है वो पार करना है। तो मज़ीद टाइम वेस्ट किए तो आज का इंटरव्यू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। सब क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र आप सुनाए सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरा नाम अब्दुल्ला शफीक है, मैं फर्स्ट ईयर BDS का स्टूडेंट हूँ और मेरा एडमिशन FMDC स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद में हुआ। अक्सर जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं वो फेडरल के इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई ही नहीं करते एडमिशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर इतनी अवेयरनेस नहीं होती। लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप जहाँ जहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई लाजमी करें। जैसे मैंने फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में अप्लाई किया और मैंने वहाँ पे एडमिशन सिक्योर कर लिया। आपके मैट्रिक में कितने मार्क्स थे और FSC में कितने मार्क्स थे और MD कैट का सफ़र किस तरह करा, इस बारे में बताएं। मैट्रिक में जो मेरे मार्क्स थे वो 1047 थे और FSC में मेरे मार्क्स 1040 थे। नेक्स्ट एम कैट की तैयारी की और एम कैट की तैयारी के बाद एम कैट दिया, उसमें मेरे मार्क्स अनफॉर्चुनेटली थोड़े कम आए थे, मेरे 174 मार्क्स थे, लेकिन टोटल एग्रीगेट बना के मेरा 91.68 एग्रीगेट बना, जिसकी वजह से मेरा एडमिशन सिक्योर हो गया था BDS में। तो जैसा कि आपको पता है कि कोविड की सिचुएशन की वजह से टेस्ट को ऑनलाइन कर दिया गया है और उसका कुछ नाम भी मेरे ख्याल से चेंज कर दिया गया है MD कैट से कुछ NMD कैट, कुछ इस तरह का कुछ हुआ है, तो उस बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या हुआ है वो। एक्चुअली NMD कैट जो है वो इस साल नहीं, इसे पिछले साल मतलब कि 2020 से स्टार्ट हुआ है। NMD कैट का मतलब है कि नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन एंट्री टेस्ट। तो NMD कैट का मकसद यही है कि जो पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स की स्क्रूटनिंग जो है वो एक ही लेवल की हो, एक ही लेवल का टेस्ट हो, एक ही लेवल का सिलेबस हो और बच्चों की स्क्रूटनिंग भी एक ही लेवल की हो, ताकि जो भी स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज में जाएं वो एक ही लेवल के हों। तो नेशनल बेसिकली पहले जो एम कैट होता था वो हर सूबे का अलग होता था, मतलब कि पंजाब में सेपरेट, बलोचिस्तान सिंध KPK वगैरह में सेपरेट सेपरेट MD कैट होता था। लेकिन इस साल से पिछले से प्रीवियस ईयर से 2020 से ये हुआ है कि नेशनल लेवल का एक मेडिकल का टेस्ट होगा, जिसके बाद आप अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना है या पब्लिक कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो टेस्ट पास करना आपके लिए लाजमी है। सो जैसे आपको पता है कि हर प्रोविंस का जो सिलेबस होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन नेशनल MD कैट की वजह से वो ये भी डिफ़िकल्टी आई कि सिलेबस कहाँ से आएगा, MCQs कहाँ से आएंगे। डिफरेंट से मुराद ये नहीं है कि सारी सारी बुक्स ही डिफरेंट होती हैं, लाइक टॉपिक सेम ही होता है लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन में फ़र्क आता है। इसीलिए जब 2020 में हमारा एम कैट हुआ तो इसमें यही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी कि हर प्रोविंस का जो सिलेबस है वो डिफरेंट था और प्रिपरेशन भी उन्होंने अपनी टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से ही की थी। लेकिन जैसे फेडरल का कोई थोड़े से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाला होता है, उसके बाद पंजाब का लाइक KPK और सिंध वगैरह में एक्सप्लेनेशन बहुत कम होती है, इसलिए सारे स्टूडेंट्स को ये जो डिफ़िकल्टी थी ये तो फेस करनी पड़ी थी। लेकिन इस साल से उन्होंने ये कहा है कि आपको सिलेबस की एक आउटलाइन दे दी जाएगी, कोई फिक्स सिलेबस नहीं है कि आपके इस टेक्स्ट बुक से ही MCQs आएंगे, वो कहीं से भी आ सकते हैं लेकिन आपको एक फ़िक्स आउटलाइन दे दी है। इसलिए स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि वो हर प्रोविंस की जो टेक्स्ट बुक है उसको टच करें, स्पेसिफिकली फेडरल की जो बुक्स हैं उनमें ज़्यादा डिटेल दी होती है हर टॉपिक की, तो उसको लाजमी टच करें, क्योंकि जो इदारा है PMC का वो भी बेसिकली फेडरल इदारा है,
और जो ज़्यादा क्वेश्चन 2020 में भी आए थे वो भी फेडरल की बुक से ज़्यादा आए थे, इसलिए फेडरल की बुक्स को स्टूडेंट्स को चाहिए कि ज़्यादा टच करें। अच्छा, तो मेरे ख्याल से अब्दुल्ला भाई ने NMD कैट के बारे में कुछ ज़्यादा ही आपको डिटेल से बता दिया है, तो ज़्यादा हम मज़ीद वीडियो लंबी नहीं करते, हम अपने मेन जो हमारे पॉइंट्स हैं उनकी तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि आफ्टर FSC करने के बाद आपके जेहन में पहली थॉट क्या आई कि मुझे किस अकेडमी में या किस कॉलेज में टेस्ट प्रिपरेशन के लिए जाना चाहिए, और आपने कौन सी चूज़ की और किस बेस पर आपने वो जो प्रिपरेशन वाली अकेडमी वो चूज़ की थी? अकेडमीज़ तो बहुत हैं, लेकिन मैंने किप्स चूज़ की थी, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। आप किसी भी अकेडमी को ज्वाइन कर लें और उसका जो स्कीम ऑफ स्टडी है उसको साथ साथ फॉलो करें तो ये आपके लिए बेस्ट है। अच्छा, जो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो रूटीन के बारे में आता है कि लाइक आप किसी सिटी से या घर से आप बाहर जाते हैं, तो आप किस रूटीन को फॉलो किया? आपने मॉर्निंग वाली क्लासेस ली थी या इवनिंग वाली ली थी, तो उसका कुछ बेनिफिट होता है स्टडी के लिहाज से या टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से? उस बारे में थोड़ा सा बता दें कि कौन सी रूटीन फॉलो करनी चाहिए। एक्चुअली मैंने जो सेशन ज्वाइन किया था वो था 5 AM से स्टार्ट हो रहा था, मतलब कि सुबह फजर के बाद से स्टार्ट हो रहा था। ये मैंने बाय चॉइस नहीं लिया था, ये मेरा नाम ही इस सेशन में आया था। तो हर बंदे को अपने उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, मुझे भी उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ा था, मतलब कि 5 AM से मेरी क्लास स्टार्ट होती थी और 11 AM तक चलती थी, तो उसके बाद आके थोड़ा रेस्ट, और थोड़ा रेस्ट करने के बाद दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट। अच्छा, तो रूटीन का जैसे कि अब्दुल्ला भाई ने बता दिया, आप उसके बाद जो हॉस्टल के बारे में एक बड़ा मसला दरपेश होता है कि हॉस्टल कहाँ लिया जाए और किस तरह लिया जाए, और हॉस्टल के हॉस्टल मेट्स जो हैं वो अपने क्लास फेलो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इन शॉर्ट के हॉस्टल के बारे में हम पूछेंगे, हॉस्टल का क्या सीन होता है? जी, आप एक सिटी से दूसरे सिटी शिफ्ट, तो हॉस्टल है, आप एक सिटी से दूसरे सिटी जब शिफ्ट करते हैं तो बहुत से प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। हॉस्टल जो है वो आपको नज़दीक तरीन ही लेना चाहिए एकेडमी से, ताकि आपके आने जाने का टाइम वेस्ट ना हो। उसके अलावा वो हॉस्टल चूज़ करें जहाँ आपको खाने पीने का कोई मसला ना हो, टाइम पे खाना मिले, कोई कहीं दूर जाके खाना ना पड़े, ताकि आपका वो भी टाइम सेव हो सके। और जो फेलोज़ हैं वो आपके फील्ड से रिलेटेड ही होने चाहिए, यानी कि NMD कैट की आप तैयारी करने गए हैं तो वही स्टूडेंट्स आपके फेलो होने चाहिए, ताकि आप उनसे डिस्कशन कर सकें और कोई आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि तैयारी आपने किस तरह की थी, लाइक आपने टेक्स्ट बुक्स को फॉलो किया था या आपने जो किप्स की बुक्स थी उसको फॉलो किया था, उसके बारे में आप बता दें। आपने तो अपना टाइम जिस तरह गुजारा, या फिर आप आने वाले जो स्टूडेंट्स आप उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि उन्हें किस तरह के जो है वो पैटर्न को फॉलो करना चाहिए? जी, जैसे मैंने पहले बताया कि इस बार नेशनल एमडी कैट होना है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो सारे प्रोविंसेस प्लस फेडरल की बुक्स को लाजमी टच करें, क्योंकि जो नेशनल लेवल का एमडी कैट है वो कहीं से भी आ सकता है, इन बुक्स बाहर से भी आ सकता है, लेकिन आप इन प्रोविंसेस की बुक्स जो हैं और फेडरल की बुक्स इनको तो लाजमी प्रिपेयर करें। और सबसे मेन चीज़ होती है प्रैक्टिस, तैयारी हर बच्चा ही कर लेता है, लेकिन जब जहाँ पे माइनस पॉइंट स्टूडेंट्स का होता है वो प्रैक्टिस ही होता है। प्रैक्टिस पे अपना ज़्यादा फोकस रखें, हर चैप्टर के बाद MCQs की प्रैक्टिस करें, ऐसे ही हाफ बुक की, फुल बुक की, और जो अकेडमी के टेस्ट हैं वो रूटीन वाइज लाजमी दें। अकेडमीज़ के टेस्ट को उसके उस टाइम ब्रैकेट के अंदर ही कंप्लीट करने की कोशिश करें, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट का भी पता चले कैसे टाइम मैनेज करना। मैंने भी जब ECAT का टेस्ट दिया था तो मेरे जो रूममेट्स थे, मेरे रूममेट्स तो नहीं मतलब साथ वाले रूम वाले लड़के अक्सर जो है वो अकेडमी नहीं जाते थे और बाहर खाना वगैरह खाने चले जाते थे, होटल पे चले गए या बाहर घूमने फिरने चले गए। उस बारे में आप बताएं कि उसको किस तरह आप अपनी नज़र से देखते हैं कि लाइक बाहर जाना चाहिए घूमने फिरने के लिए ड्यूरिंग द टेस्ट या ड्यूरिंग प्रिपरेशन के बारे, उस बारे में थोड़ा सा बता दूँ। ये तो रूटीन का हिस्सा है कि बाहर बंदे को इंजॉयमेंट भी साथ साथ करनी चाहिए, लेकिन जो टेस्ट प्रिपरेशन का टाइम होता है ये आपको मैक्सिमम जो है वो अपना स्टडी में यूटिलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि ये जो होता है ये स्टूडेंट की लाइफ का सबसे क्रिटिकल टाइम होता है। यही जो टाइम होता है इसमें आपने अपनी फील्ड चूज़ करनी होती है, अपना सारा करियर चूज़ करना होता है, इसलिए इस टाइम को जो है वो सबसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए। बाहर घूमने फिरने की बजाय आपको अपना स्टडी पे फोकस करना चाहिए और प्रैक्टिस लाजमी करनी चाहिए। प्रैक्टिस पे जितना आप फोकस करेंगे उतने ही आप मतलब के ज़्यादा चांसेस हैं कि आप MCAT में ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि हमने अकेडमी भी देख ली, अकेडमी में हमने प्रिपरेशन भी कर ली, नाउ अब पॉइंट आता है कि हम NMD कैट देने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से इस दफ़ा ऑनलाइन हो रहा है,
तो उसके बारे में कि उससे कितनी देर पहले आपको पढ़ना छोड़ देना चाहिए, या ड्यूरिंग अगर हम टेस्ट देने जा रहे हैं तो साथ हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए, या ड्यूरिंग द टेस्ट हमने प्रेशर किस तरह हैंडल करना है, अगर एक MCQs नहीं आ रहा या एक MCQs का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग में फिज़िक्स के न्यूमेरिकल में हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, उस बारे में आपके बारे में क्या ख्याल है कि टेस्ट को शुरू किस तरह करना चाहिए और कौन सा पोर्शन पहले करना चाहिए और कौन सा पोर्शन बाद में करना चाहिए। सवाल मैंने काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए हैं, तो अब्दुल्ला भाई सारों को वाइंड अप करके एक उसका आंसर दीजिएगा। तो इस साल जैसे कि ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए बच्चे यूज़ टू भी नहीं है, इसके लिए सबसे बेहतर यही है कि आप जो ऑनलाइन अकेडमीज़ के सेशन हैं वो ज्वाइन करें, ऑनलाइन टेस्ट दें ताकि आपको ऑनलाइन टेस्ट देने की प्रैक्टिस हो। उसके अलावा जो है डिफ़िकल्टी लेवल, तो मतलब कि सारे 210 MCQs जो हैं वो सेम डिफ़िकल्टी लेवल के नहीं होते, कुछ आसान होते हैं कुछ मुश्किल होते हैं। अब मुश्किल देख के ये नहीं है कि सारा टाइम उसी पर ही वेस्ट कर दिया जाए, उसे अगर ज़्यादा ही आप लग रहा है कि वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है तो उसे लास्ट के लिए रख लें, लेकिन ये नहीं है कि आप सारा टाइम ही कंज्यूम कर दें। एक MCQs को जो है वो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो वो जल्दी MCQs सॉल्व हो जाएगा। तो मतलब कि हर बच्चे का टेस्ट जो होता है, जब हमारा MCAT हुआ था तो हर बच्चे का टेस्ट वो डिफरेंट था, तो जिस हिसाब से आपको पेपर आया उसी हिसाब से लाइन वाइज चलते रहें। जैसे मैंने जो नेशनल MCAT दिया उसमें सबसे पहले मेरे लिए क्वेश्चन जो थे वो बायोलॉजी के आए थे, फिर केमिस्ट्री, देन फिज़िक्स और लास्ट में इंग्लिश था। तो जो सबसे स्टूडेंट्स को लगता है ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा वो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल होते हैं, तो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस से आपको अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ पे आप कैलकुलेटर भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे बेहतर जो हाल है वो यही है कि आप शुरू से ही प्रैक्टिस करें, बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करने की कोशिश करें। बायोलॉजी के भी तकरीबन रट्टे वाले होते हैं, लेकिन वो भी अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो वो जल्दी हो जाएंगे। इसी तरह ही जो केमिस्ट्री के हैं वो केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह की इक्वेशंस जो हैं उनका आप चार्ट बना लें, वो हर टॉपिक के जो इक्वेशंस हैं वो आपको लाजमी आनी चाहिए और फौरन देखते ही आप MCQs सॉल्व कर सकते हैं। तो मिनिमम टाइम कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए या कितना टाइम एक MCQs पर लगाना चाहिए, उस बारे में आपका क्या ख्याल है? जी जब मैंने टेस्ट दिया तब एक MCQs के लिए 40-45 सेकेंड्स थे, लेकिन इस बार तकरीबन 50-55 सेकेंड्स तक एक MCQs के लिए मिलेंगे। लेकिन ये नहीं है कि आपने वो 55 सेकेंड्स जो हैं वो एक ही MCQs के लिए कंज्यूम करने हैं, कुछ MCQs होते हैं वो 5 या 10 सेकेंड्स के अंदर इजीली सॉल्व हो सकते हैं। जो आप यहाँ से टाइम बचाएंगे वो आगे जो डिफ़िकल्ट MCQs हैं उनके लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो फिज़िक्स के पोर्शन के लिए, या फिर वैसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप NMDCAT के बारे में स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह का जो है वो आपको फॉलो करना चाहिए? जो MCAT का टेस्ट होता है उसके अंदर कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, सारे नहीं लाइक कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफ़िकल्टी लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए थोड़े ट्रिकी किस्म के होते हैं, जैसे और उसके उस वक्त स्टूडेंट्स टेंशन में भी होते हैं तो गलती करने का चांस भी ज़्यादा होता है। जैसे आपको मतलब कि बायोलॉजी में पूछ लें कि पेयर ऑफ रिब्स कितने हैं, तो आप जल्दी में 12 की बजाय वो 24 टिक कर सकते हैं। ऐसे ही आपको मतलब कि जैसे फिज़िक्स में अगर किसी ने पूछ लिया सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में अगर क्वेश्चन है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बजाय सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ किसी वैल्यू में पूछ सकते हैं। ऐसा करके कुछ थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इसलिए MCQs की स्टेटमेंट को लाजमी पढ़ें, उसके अंदर जो की पॉइंट है उसे नोट करके और उसके ऑप्शंस को भी सबको एक बार लाजमी देखें, ताकि जो आप समझ रहे हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि ए या डी जो होता है वो करेक्ट ऑप्शन लग रहा होता है लेकिन बी या सी में से कोई करेक्ट ऑप्शन होता है, इसलिए सारे जो ऑप्शंस हैं उनको लाजमी देखें। अच्छा, मैट्रिक कर लिया, मैट्रिक में अच्छे मार्क्स आ गए, FSC में अच्छे मार्क्स आ गए, NMDCAT की प्रिपरेशन कर ली, NMDCAT दे दिया, NMDCAT ने मार्क्स अच्छे आ गए, आपका एडमिशन भी हो गया, उसके बाद आपकी कैसी फीलिंग्स थी? फीलिंग्स तो ऑब्वियसली अच्छी होंगी, लेकिन ये है कि जो FSC में जैसी बच्चे की रूटीन होती है स्टूडेंट की, मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद रूटीन टोटली डिफरेंट हो जाती है। वहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है स्टडी पे, ज़्यादा टाइम देना पड़ता है अपनी स्टडी को, इसलिए इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहें। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मेरे ख्याल से गलती भी करते हैं या ठीक भी करते हैं, तो आज हम अब्दुल्ला भाई से ये पूछते हैं क्योंकि उनका BDS में एडमिशन हुआ है, कि क्वेश्चन ये है कि आपका BDS में एडमिशन हो गया है तो नेक्स्ट ईयर आप MBBS के लिए आपको टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या BDS को अपना जो है वो कैरियर चूज़ कर लेना चाहिए, इस बारे में बता दें कि MBBS वर्सेस BDS के बारे में।
जो MBBS वर्सेस BDS को अगर देखा जाए तो तकरीबन सेम ही फील्ड्स हैं। जो अगर मैं BDS के बेनिफिट्स बताऊं तो इनमें ये है कि BDS आप एक तरह शुरू से ही स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, 4 साल का कोर्स है, उसके बाद मतलब कि एक साल यहाँ से भी आपका बचता है और साथ ही आप अपना प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा BDS में एडमिशन हो गया तो मेरे पास ऑप्शंस यही थे कि मैं MBBS प्राइवेट में एडमिशन लूँ या फिर मैं एक साल रिपीट करूँ, तो मैंने BDS को ही प्रेफर किया क्योंकि BDS में ये था कि आप 4 साल का ये कोर्स है, 4 साल के बाद आप एक तरह प्रोफेशनल लाइफ इंजॉय नहीं प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कि जैसे अगर आप MBBS करते हैं तो उसके लिए आपको बाद में स्पेशलाइजेशन लाजमी करनी पड़ती है, लेकिन BDS के बाद ये है कि ये तो है कि आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो कम होते हैं, लेकिन ये है कि आप स्टार्ट से ही एक प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं, एक स्पेशलिस्ट एक तरह स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। अच्छा, तो जाते जाते आप जो अपने आपके जूनियर्स हैं, जो बच्चे अब NMD कैट जिन्होंने इस साल अपीयर होना है, तो उसके बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उन्हें हमें क्या फॉलो करना चाहिए पाथ को? लेकिन प्रिपरेशन जो होती है वो तो स्टूडेंट्स की तकरीबन होती ही है, लेकिन जो मसला होता है वो टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस का होता है। तो इसके लिए यही है कि आप जो किसी भी अकेडमी की बुक्स ले लें, उन पर प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद जो आपने अकेडमी ज्वाइन की है उसके जो टेस्ट हैं वो उसी टाइम ब्रैकेट में सोल्व करने की कोशिश करें। उसके अलावा जो है जितनी प्रैक्टिस हो सकती है MCQs की प्रैक्टिस लाजमी करें, और वहाँ पे जो है वो अपना टाइम टेस्ट में टाइम मैनेज करने की लाजमी कोशिश करें, टाइम मैनेज करें। थैंक यू सो मच। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है NMD कैट के रिलेटेड, MBBS, BDS या कोई भी आपका स्टडी के रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम से भी पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको करेक्ट वे में आपको उसका आंसर करूं, या मैं आपका कांटेक्ट जो है वो अपने गेस्ट से करवा दूंगा। अगर आपका कोई सीरियस कोई क्वेश्चन हुआ जिसका आंसर मुझे ना आता हुआ तो मैं आपका कॉन्टैक्ट भी उनसे करवा दूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। दासी हो तदहे मिलदा।